झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल सीजन में चने का रकबा दोगुना हो गया है। इसके अलावा अच्छे वातावरण के कारण उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। पिछले कुछ दिनों में कृषि विभाग ने इस उत्पादकता की घोषणा की है। उत्पादन बढ़ने से खुले बाजार में चने की फसल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। खुले बाजार में औसत दर 4500 है। वहीं नेफेड ने चने के लिए खरीद केंद्र पर 5230 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की है। लेकिन किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि खरीदी केंद्र वास्तव में कब शुरू होगा, लेकिन अमरावती जिले में एक चना खरीदी केंद्र शुरू किया जा चुका है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वर्तमान में खुले बाजार में चने का औसत भाव 4500 रुपए प्रति टन है, 4500 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन आवक बढ़ने के साथ कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ना तय है। हालांकि खरीदी केंद्र पर 5230 रुपए प्रति क्विंटल तक तय किया गया है, इसलिए बाजार दरों और भविष्य में बढ़ते आवक के कारण एक गारंटी केंद्र की वास्तविक आवश्यकता थी। लेकिन इस खरीदी केंद्र के खुलने से कटाई और थ्रेसिंग के दौरान किसानों को राहत मिली है और आगे भी मुनाफा हो सकता है। हालांकि गारंटी के तहत चने की बिक्री की सुविधा दी गई है, लेकिन केंद्र में पहुंचते ही चने की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। इसमें नमी की मात्रा 10% तक होनी चाहिए, अन्यथा घटिया माल की खरीद नहीं की जाएगी। कुछ उत्पादों की खरीद खरीदी केंद्र के नियम और शर्तों को स्वीकार कर ही की जाएगी। साथ ही कृषि चीजों का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।